यू आर वॉचिंग गली न्यूज। हमारे डोंगरी में तो ना आए, नहीं तो आप तबीयत से मार खा के जाएंगे। अगर आप हमारे इलाके में कोई दंगा फसाद फैलाने के नियत से आते हो तो संभल के रहना भाई, आप आएंगे तो जरूर लेकिन वापस नहीं जा पाएंगे। के लोग आके हमको अगर कुछ गलत फहमी का शिकार बनाते वो गलत है, इसके लिए उनके लिए ये वार्निंग है कि मेहरबानी करके आओ मत हमारे इलाके में, हम तुमको सीधा तरीके से बख्शेंगे नहीं। मुंबई 3, मुंबई 9, मुंबई 8 ये जो इलाके हैं वहाँ कभी भी हिंदू और मुस्लिम ये फसाद जो है वो कभी नहीं होगा। जो इस गली न्यूज़ को देख रहे हैं और ये जो फसाद फैलाना चाहते हैं वो अपने मन में ये ठान ले कि आप लाख कोशिश करो, हम और हमारे मुस्लिम भाई कभी हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। मैं राजू फोड़कर हूँ, शिवसेना का विधानसभा प्रमुख हूँ, मुंबादेव विधानसभा का। और आज डीसीपी जोन वन साहब ने जो मीटिंग रखी थी वो मीटिंग के अंदर मेन उनका मकसद था कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बने रहे। और ये हर टाइम हर वक्त कोई भी अगर पुलिस डीसीपी जोन वन आते हैं या कोई भी सीनियर पीआई हो एसीपी हो, उनके दिमाग में यही बात रहती कि हमारा इलाके में कभी कभी ऐसी बात ना हो। लेकिन मैं आज गली न्यूज के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मुंबई 3, मुंबई 9, मुंबई 8 ये जो इलाके हैं वहाँ कभी भी हिंदू और मुस्लिम ये फसाद जो है वो कभी नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि हम लोग इतने एक दूसरे के साथ घुल मिल चुके हैं और दूसरे के साथ इतना भाईचारा बढ़ा हुआ है हमारा कि ये बात हमारे यहाँ कभी भी मुमकिन नहीं। अगर कोई बाहर से भी आके कुछ करे या कुछ वीडियो भेजे या फेसबुक व्हाट्सएप पे कुछ भी डाले तो ये नामुमकिन बात है। जो इस गली न्यूज़ को देख रहे हैं और ये जो फसाद फैलाना चाहते हैं वो अपने मन में ये ठान ले कि आप लाख कोशिश करो, हम और हमारे मुस्लिम भाई कभी हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, आप चाहे जितना भी आपका ताकत है वो लगा लो। राजू भाई, कल जैसे रामनामी थी कल गौंडी में, आपको पता होगा रात को बहुत वहाँ पर भोंगे की वजह से नहीं, वो बाइक रैली आ रही थी रामनवमी की, उन लोग ने पीएमजी कॉलोनी में घुस के गाड़ियों की तोड़फोड़ की थी। तो आप जिस इलाके में रहते हैं उसका नाम है उमर खाड़ी, बहुत ही सेंसिटिव मैं समझता हूँ पुलिस स्टेशन में से एक है, ये सब चीज़ यहाँ पर नहीं हुई, ये बाहर साइड क्यों होने जा रही है? ये बाहर इसलिए हो रही है कि कई इलाके इस मुंबई शहर के अंदर ऐसे है कि वो इलाके में पब्लिक जो है वो घर के बाहर नहीं निकलती है। पब्लिक जब हमारी डोंगरी मुंबई 3, 9 और 8 पब्लिक ऐसी है कि घर में कम और रास्ते पे ज़्यादा, तो उनको मालूम पड़ जाता है, एक दूसरे के चेहरे जाने पहचाने रहते। तो कोई भी इंसान अगर बाहर से आके ये चीज़ करने जाए, क्योंकि गुड़ी पड़वा के दिन मेरे ख्याल से पहले 4-5 साल पहले ये जो अपने हाजी जो अपने जेजे का जो ब्रिज है हाजी मखदूम शाह बाबा, वो ब्रिज के यहाँ पे ऐसा ही मसला हुआ था। किसी ने जानबूझ के नहीं लेकिन डाल दिया था कि बाबा चलो बैनर डालते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि नीचे हाजी मखदूम शाह बाबा का नाम लिखा हुआ है। तो उसके वजह से उस वक्त जब पायदुनी और जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन और डोंगरी पुलिस स्टेशन से तहकीकात की गई तब पता लगा कि भिवंडी से लड़के आए थे जिनको टेम्पो में लाया गया था और उन लोगों ने इमाम वाले लड़के के साथ में फसाद खड़ा किया था। और उस वक्त जिस वक्त फसाद चल रहा था उस वक्त सीनियर पी आई डोंगरी तांबे साहब थे और मैं उनके साथ में वहाँ पे था, मौजूद था उस वक्त उसी टाइम पे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, आज कौन कैसा है क्या है, तो हम कभी भी एक दूसरे के साथ लड़ेंगे नहीं। और बाहर की पब्लिक हमारे यहाँ आके जो दंगा फसाद फैलाना चाहती है वो ये दिमाग में पूरी तरह से उतर ले कि हमारे बीच में कभी भी आप ये गलत हरकतें गंदी हरकतें मत करो। ये रमज़ान का पावन महीना पवित्र महीना है, इसमें सभी हमारे मुस्लिम भाई जो सवाब इकट्ठा करते हैं वो सवाब इस देश के लिए भी लागू होता है, इस हिंदुस्तान के लिए भी लागू होता है, महाराष्ट्र के भी लिए लागू होता है। तो मेरी आप सभी से यही प्रार्थना रहेगी, सभी से यही दरख्वास्त रहेगी कि प्लीज़ हमारे डोंगरी में तो ना आए, नहीं तो आप
तबीयत से मार खा के जाएंगे। अजान को लेके बात करते हैं कि आप तो बचपन से वहीं पढ़े, लास्ट टाइम आपने सोनू निगम के को हमने आपने मिलके एक बताया था कि एक तरफ यहाँ पर आरती होती है और एक तरफ अजान होती है, उसको लेके क्या पर्सपेक्टिव एज अ हिंदू एज अ शिव सैनिक आपको क्या लगा? अजान ये जो चीज़ है आज कई सालों से आ रही, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उसके ऊपर निर्बंध भी डाले हुए जो डेसिबल के मुताबिक। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी अजान के बारे में कुछ नहीं कहा है, ये लोगों का परसेप्शन है। सिर्फ लाउड स्पीकर जो होता है, जो लाउड स्पीकर के बारे में कहा है कि जैसे अभी आप डीसीपी साहब ने कहा है, ये लोगों को इतला करना चाहता हूँ कि 12 से लेकर 6 बजे तक जो रात का टाइम रहता है उसमें लाउड स्पीकर, चाहे आप अजान हो, आरती हो या कोई भी हो, उसको तोड़ मोड़ के बढ़ाया जाता है। जी राजू जी, तो वही है कि हमारी मालूमात जहाँ तक है कि सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो ये है वो बंधन डाला हुआ है, वो भी डेसिबल, वो डेसिबल के हिसाब से अगर हम लोग समझदार लोग हैं, पहले जैसा हम लोग यानी कम पढ़े लिखे जैसा आज नहीं है माहौल, आज सब पढ़े लिखे हुए हैं, तो सब ने अपना अपना धर्म अपने अपने तरीके से दूसरे को तकलीफ ना हो इस तरीके से अगर हम लोग एक दूसरे का धर्म का साथ देते हैं तो ये अपने यहाँ पे अमन और शांति कायम बनी रहेगी। क्या कहना है राजू भाई के? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उमर खाड़ी के जो एरिया में आपने देखी होगी कि यहाँ अक्सर हमारे राजू भाई है या मतलब कोई भी मुस्लिम के अगर देखा जाए तो एक मिल के ही रहते हैं। तो ये जो एक सेंसिटिव एरिया जैसा आपने बताए थे, यहाँ होना या कोई भी चीज़ करना बहुत ही नामुमकिन है, लेकिन आज जो मीटिंग जो डीसीपी साहब ने और यहाँ के सीनियरों ने लिए वो ये दिखाने के लिए मुंबई पुलिस जो है वो पूरी तरीके से तैयार है कोई भी चीज़ का मतलब करने के लिए, या त्यौहार अभी जो आए उसको पूरी तरीके से सक्सेस करने के लिए भी तैयार है, और अगर कोई अनहोनी होती है तो उसके लड़ने के लिए भी तैयार है। लेकिन इन लोगों का एक बहुत ही अच्छा कदम इन लोगों का आज ये हम लोग को नज़र आया कि लोगों से मिलकर वो ये मतलब बताना चाहती कि अगर आपके आसपास ऐसी कोई घटना हो रही है तो हम जानते कि ये इस एरिया के लोग नहीं करेंगे, कोई जो हमारे महाराष्ट्र को बांटने के लिए जो तैयारी कर रहा है शायद वो लोग जो है बाहर से लोगों को लाकर ये चीज़ कर सकते हैं, तो हमारे एरिया के लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे ख्याल से हम सबको तैयार रहना चाहिए। राजू भाई ने वार्निंग दे दिया है हमारे एरिया में घुसना नहीं, राजू भाई ने जो कहा है उससे हम लोग सहमत हैं। हम और राजू भाई हमेशा बचपन से लेके हिंदू मुस्लिम एक बाजू, हमारी दोस्ती एक बाजू है, हर चीज़ में हम साथ में रहे, ईद में हो या दिवाली में हो या गणपति का विसर्जन हो, कभी हमने हमारे एरिया में एक दूसरे से अलग नहीं हुआ है, और दूसरे को ये बोलना चाहेंगे कि हमारे बीच में आना नहीं। अभी हमारे एरिया में रमज़ान का महीना चल रहा है, मैं ये कह सकता हूँ दूसरे लोगों को मैं बोल सकता हूँ कि हमारे एरिया में घुसना नहीं, राजू फोड़कर ने दी धमकी। यस सर, डेफिनेटली अगर आप हमारे इलाके में कोई दंगा फसाद फैलाने के नियत से आते हो तो संभल के रहना भाई, आप आएंगे तो जरूर लेकिन वापस नहीं जा पाएंगे। क्या कहना आपका, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हो, आप मुस्लिम को रिप्रेजेंट करते हो, क्या कहना राजू भाई ये राजू भाई जो ऐसे हिंदू जो रहते हैं कैसे हैं? राजू भाई ने जो बात की बिल्कुल सही बात है, अल्लाह चाहे तो ऐसा आदमी लोग से इज्जत और शान में उड़ना चाहिए कि आदमी ने जो इस टाइम पर बोला कि भाई बाहर के जो भी आएगा गलत है, क्यों आएंगे हमारे इलाके, क्यों हमारे इलाके को ख़राब करते भाई, तुम तुम्हारी जगह पे शहरों हमारे इलाके वाले जितने भी ये मुमर खाड़ी बोलो भिंडी बाजार बोलो एक दूसरे से मिलके रहते, अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह ताला अभी तक तो हुआ नहीं ना कभी होएगा कि जो बात आपस में ना मिलके रहते ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। राजू भाई आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपकी सोच को सलाम, आपके जज्बे को सलाम। क्या आपके जैसे लोग जो है उमर खाड़ी में आपके ही कास्ट के लोग, क्या वो भी इस बारे में ऐसा सोचते हैं कि हमारा माहौल नहीं ख़राब होना चाहिए? जी 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 जी, हमारे सभी लोग यही बात सोच के है कि कभी भी हमारे उमर खाड़ी के अंदर, क्योंकि जो समझो अभी हम है हमारे ये भाई है हम लोग आपस का हमारा मसला है, हम लोग आपस में चलता थे क्योंकि हम लोग रोज़ एक दूसरे से मिल रहे हैं, हमारे चांद भाई है, हम लोग एक रोज़ एक दूसरे से, भले हमारा झगड़ा भी हो जाए आपस में लेकिन वो ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा नहीं चलता एक दिन दो दिन, क्योंकि हर घर में होता है भाई भाई का झगड़ा होते ही रहता है, तो हम लोग एक दूसरे का मुँह देखते दूसरे तीसरे दिन ख़त्म हो जाता है। तो बाहर के लोग आके हमको अगर कुछ गलत फहमी का शिकार बनाते वो गलत है, इसके लिए उनके लिए ये वार्निंग है कि मेहरबानी करके आओ मत हमारे इलाके में, हम तुमको सीधा तरीके से बख्शेंगे नहीं। मैं छोटा सा इंटरव्यू लेने आया था कि यहाँ क्या हो रहा है, मगर आप तो नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल की बात कर दी, मेरे ख्याल से आप भाई लोग को इनके लिए ताली बजाना चाहिए, मेरे राजू भाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई जी।